अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, तो ये देखिए मैंने क्या की हूँ, फटाफट से कुछ खाने दिल हो गया तो ये रखी हूँ मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए। क्योंकि क्या है, दिवाली की वजह से हस्बैंड को भी संडे की छुट्टी नहीं है, तो इस वजह से अब ये शाम का वक्त है, मैंने रखी हूँ यहाँ पर चाय बनने के लिए। और अब देखिए मैं फटाफट से क्या बनाती हूँ अपने लिए। ऐसे तो खाने के लिए यहाँ पर दोपहर में मैंने कोफ्ते का सालन बनाई थी, पर वो मुझे नहीं खाना था, मुझे कुछ सिंपल सा खाने दिल हो रहा था। तो यहाँ देखिए फटाफट से दो ब्रेड पे मैंने पीनट बटर लगाई हूँ, ये वाला पीनट बटर लगाई हूँ मैंने ब्रेड पे फटाफट से। मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूँगी, एक मिनट बता। अब मैं इसके अंदर ये स्लाइस चीज़ रखूँगी इस तरह से मस्त, और ये पीनट बटर के ब्रेड से इसे कवर कर दूंगी। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी थोड़ा सा अमूल बटर, थोड़ा सा। यहाँ पे एक पैन गरम पे रख दी हूँ मैंने, तो ये अमूल बटर की साइड को इस पैन पे इस तरह से रख दूंगी। थोड़ा ऊपर से भी मैं अमूल बटर लगा दूँ, ऊपर वाली साइड पे नहीं लगाई थी। यहाँ पर मेरी मज़े की चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहा है ये, मैं अभी इसे टर्न कर दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, और अंदर चीज़ और पीनट बटर का जो फ्लेवर आएगा वो एक नंबर लगे। तो ये देखिए फटाफट से रेडी हो चुका है ब्रेड, चीज़ी चीज़ी ब्रेड और साथ में मस्त चाय। तो अचानक लगने वाली भूख के लिए ऐसा फटाफट सैंडविच बना के आप खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और पीनट बटर से तो और चीज़ से तो इसका और टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलो भाई मैं तो खाने चली हूँ, आप भी आ जाए खाने के लिए। ये बहुत ही टेस्टी बना है, मैंने एक बाइट खाई भी हुई इसे, बहुत यम्मी बना है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे, बहुत चीज़ी चीज़ी टेस्ट आ रहा है इसमें से। तो मैंने सोची बस ऐसे ही कुछ ट्राई कर दूँ, तो मस्त सा बन गया सैंडविच, सही है। बहुत टेस्टी, यम्मी।